देखो, मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा तो रखी है, ठीक है ना, पहले बना भी रखा था, लेकिन फिर से एक रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को आज, ठीक है? पूरा ज्योमेट्री चैप्टर का रिवीजन करा देंगे क्लास 5th का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, कि एंगल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक अगर एंगल बनता है तो किस चीज से बनता है और कैसे बनता है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चाहे तो कुर्सी रख लीजिए सामने, बड़ी वाली भी रख सकते हैं। देखिए, ध्यान देना बेटा आप लोग, हर्षिता जो काम करोगी ना उसको भी कहना वही करने के लिए। देखो, अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, दिखा आपको ये? अच्छा, आप लोग को परी आपको सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, डिजिट ये सीधा दिख रहा है आपको? दिख रहा है ठीक। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ये एबीसी है, जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे जुड़ते हैं तो एक एंगल बनता है। कॉमन पॉइंट जो होता है किसी भी एंगल का, देखो ये जो पॉइंट बी है, ये बीसी और एबी दोनों का एक ही पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे मिलता है, तो कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे आस्था? वर्टेक्स, ठीक है? तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका? बी। एंगल जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? देखो, जिस पॉइंट पे एंगल बना है, किस पॉइंट पे एंगल बना है? बी पर, तो वो सेंटर में होगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको या तो आप लिख दो एंगल ए बी सी, बीच में भी आ गया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते एंगल सी सी बी ए, क्योंकि बी पे बना है तो बी को बीच में रखना पड़ेगा। ये जिंदगी भर याद रखना है इस कॉन्सेप्ट, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा पॉइंट बीच में रखते हैं, वर्टेक्स बीच में आया होगा, वर्टेक्स बीच में, बिल्कुल गुड, पर आप जब पिक्चर में बोलते हैं क्योंकि यहाँ बीच में बना है ना, रॉन्ग हो जाएगी, रॉन्ग है ना, बीच में बना है तो आगे पीछे कैसे कर देंगे, है स्विफ्ट डिजायर है, बैक गियर लगाया है, आगे पीछे कर दिए। चलिए, उसके बाद किसी भी एंगल के लिए कोई भी एंगल बनेगा, तो मैंने बताया था कि दो लाइन सेगमेंट उसमें होंगे, किसी पॉइंट पे जुड़ेंगे, तो जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उसको तो उसका वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो दो आर्म होता है ए बी और बी सी, ये दोनों इसके क्या हो गए? आर्म्स हो गए। समझ में आ रही आप लोगों को? ठीक है, अब देखो लाइन सेगमेंट, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया, लाइन सेगमेंट नहीं बेटा, रे, ठीक है, एक एंगल में दो रेज होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हो, एक जिस पॉइंट से वो निकल के एक तरफ पॉइंट हो दूसरी तरफ एरो जाती है, इसको रे कहते हैं, तो किसी भी एंगल में दो रे तो होगा ही होगा, एक तो ये रे हो गया, एक दूसरा ये रे हो गया, दो रेज हो गए, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर अगर आपको ये बताना हो कि दो आर्म्स हैं, मतलब कि दो रे भी है, पानी डाल के, अच्छा कुर्सी ले, तो यहाँ पे ए बी अगर आप लिखते हो, ए बी एक रे है तो उसके ऊपर इस तरह एरो देंगे तो ए बी एक रे हो गया, और उसके बाद बेटा ये बी सी अगर आप बात करें तो इसके ऊपर भी एरो दे देंगे तो रे होगा, मतलब ये जो एंगल है दो रे से मिलने से बना है। समझ में आ रही बात आपको? ध्यान देना, तो मारूंगा झापड़ना सीधे वहां कोने में जाकर लगेगा, तू तेरा ही चैप्टर करा रहा हूं अभी, कहां ध्यान दे रहे तेरा, क्या समझा बता, तो ये क्या है ए बी और बी सी क्या है? ये एरो जो बना है इसका क्या मतलब है?
रे उसको कहते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, और एक तरफ एरो लगी होती है, ये हो गया रे। अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या होता है वो देखिए, लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ बढ़ती है वो, ठीक है, लेकिन इसमें हम पॉइंट बना करके एक लाइन क्लियर कर देते हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट, क्लियर है? यस सर। ओके, आया समझो भाई? हाँ जी। किसकी? नहीं बिल्कुल नहीं होती, वही बिल्कुल सही, वही तो कर रहा हूं मैं। तो एंगल में क्या होगा, दो रे होगी, ए बी और बी सी दो रे हो गई, या दो आर्म्स कर सकते हैं, एक वर्टेक्स होगा जो दोनों के दोनों आर्म का, ए बी और बी सी दो आर्म है ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, और तीसरा जो एंगल उस पे बनेगा, दो आर्म्स के बीच में जितने डिग्री का एंगल बनेगा वो उसका एंगल हो गया, है ना? नहीं मिला आपको? ये दुकान ही ऐसी है। किस पे बेटे? बना तो सकते ही है ना, एरो अगर एंड नहीं है, एरो आपने दिखाया इसका मतलब वो लाइन सीधी सीधी जा रही है, ठीक है? चलिए बोलिए अब, ठीक है, आपने कहा तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, और रे क्या होता है, ध्यान देना। अगर भाई कोई भी एरो नहीं लगी, एक इधर एंड पॉइंट दोनों तरफ से बंद हो, ठीक है, तो ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ये तो समझ में आया आप लोगों? अगर बेटे दोनों तरफ एरो हो तो हम इसको केवल लाइन कहते हैं, ठीक है? अगर एक तरफ पॉइंट हो और दूसरी तरफ एरो हो तो इसको रे। ये तीन चीज बिल्कुल याद रखना। लाइन सेगमेंट लिखने के का तरीका होता है एबी के ऊपर केवल एक इस तरह की लाइन बनाते हैं, रे लिखने का तरीका होता है एबी लिखेंगे तो एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ है, और लाइन के लिए तो उसी तरह ही। ये रिकॉर्ड आप लिख भी सकते हो, जो बच्चा नोट करना चाहे कर सकता है, और नहीं तो चाहे तो अब रिकॉर्ड हो ही रहा है, जैसे आप पूछा, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो, वर्टेक्स क्या है मैंने आपको पहले ही बता ही दिया, ठीक है? हाँ बेटे, और अगर लाइन की बात हो तो मैंने नहीं लिखा, अगर लाइन ए बी है तो इसके दोनों तरफ एरो लगा देंगे, दोनों तरफ एरो मतलब लाइन ए बी, अगर केवल लाइन है एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट ए बी, और एक तरफ पॉइंट है और एक तरफ केवल एरो है तो ये रे ए बी, और ये देखो मैंने लिख दिया है। सर, तो लाइन सेगमेंट है उसको, उसके ऊपर जो आपने ए बी के ऊपर लाइन बना रखी है, हमने पॉइंट लगा दिया तो उसी हो। नहीं, पॉइंट तो आप लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल सिंबल लाइन खींचनी है, ठीक है ना? लाइन सेगमेंट लिख रहे, बोलिए। आपने ए बी के ऊपर यहाँ की करे है? कोई जरूरत नहीं, आप सीधे लाइन खींच सकते। चलिए किसी भी एंगल का अगर आपको नेम लिखना हो, है ना, तो मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बना के देता हूं, एक भी पिक्चर बना के दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। सबको दिख रहा है अनमोल? समझ रहे हो? ओके बेटे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो 10 बार पूछ लो, ठीक है ना? ये कोई बेइज्जती की बात नहीं। आपको समझ में आया? देखिए, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है ना? तो मैं वो क्रिएट करके आपको देता हूं। ए बी सी डी ई, ठीक है?
अब यहां पर देखो कितने एंगल बन रहे हैं, दो लाइन के बीच में एंगल बनता है, तो एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, चार एंगल बन रहे हैं ना। तो चारों एंगल के नाम कैसे लिखेंगे? एंगल लिखने के लिए पहले एंगल का साइन ऐसे बनाते हैं, पहले इस वाले को हम नाम लिख देते हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, ठीक है। ये ए बी डी बना ना, ए बी और ये लाइन कौन सी है, डी, तो एंगल ए बी डी, एंगल बी पे बन रहा है, हमने बीच में बी रखा, फिर दूसरा एंगल दूसरे नंबर पे डी बी ई, डी बी ई देख रहे हैं ना, बीच में बी पे ही बन रहा है डी बी ई। उसके बाद जो एंगल तीन है वो क्या है, ई बी एफ, एंगल ई बी एफ, मैंने जान के नीचे लाइन किया ताकि आपको समझ में आए कि पॉइंट बी पे ही बनेगा। और फोर्थ एंगल क्या है, एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, सी बी एफ कर सकते हैं, और इस एंगल को भी डी बी ए कर सकते हैं, सबको उल्टा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके लिए फिर आप ऊपर से आए आप नीचे से चले जाओ, यही कर सकते हैं ना, लेकिन एक एंगल की वैल्यू वही रहेगी, आप एफ बी सी बोलो या सी बी एफ बोलो दोनों एक ही होगा। और ये आपको लगता है ना कि सर ने कह दिया एक ही है, दो पेजों में इसको प्रूफ करना पड़ता है, ये सेम है ठीक है, लेकिन कैसे सेम है आपको बताना पड़ेगा। बोलिए सर, एक और एंगल है, राइट एंगल, हाँ अरे मैं तो भूल ही गया, ठीक कर रहा है, एक जो सबसे बड़ा एंगल बनेगा ये पूरा बड़ा एंगल, सॉरी एंगल ए बी सी, कैसे एक तो कैसे नॉर्मल थ्री फोर, हाँ फिर सी बी ई सी बी डी, हाँ उसके हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो छोटे बच्चे हैं, उसमें तो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे बना सकते हैं, अब मैं इसको तोड़ तोड़ के ऐसे बनाते जाऊं फिर ऐसे बनाते जाऊं तो हो ही जाएगा, अब उतना अगर खिचड़ी कर देंगे तो भूल जाएंगे, मतलब एक सबसे बड़ा तो बनेगा ही ना, ये सबसे एक पूरा बड़ा होगा 90 डिग्री, और बेटा जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसका देखो सिंपल क्या होता है, हम लोग ऐसे डब्बा सा, ठीक है याद रखिए, दिख रहा है ये डब्बा बन गया मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। ये समझ में आएगा कैसे एंगल लिखते हैं, क्लियर है सबका, ओके हाथ या पांव को लिम्स करते हैं, फॉर लिम्स है ना, और इस तरह होते हैं लिम्स, देखिए डी दो कोई जल्दी से, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर समझते हो क्या होता है बताओ, हाँ दो ना, अरे यार कुछ तो खर्चा कर लो भाई, 2 रुपए या 5 रुपए का आता है, 10 डिग्री तो खाई गया इसका तू, चलो देखो मैं आपको ये सिखा दूं कि कभी भी एंगल कैसे मेजर करते हैं, याद रखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ना डी, तो ऊपर वाली नंबरिंग नहीं नीचे वाली नंबरिंग क्यों देखेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होना ठीक है, ये ऊपर वाली नंबरिंग पूछो फिर सर जी क्यों दे रखा है, जब हम डी उल्टी करते हैं ना, डी की उल्टी नहीं मतलब डी को उल्टा, तो नीचे वाले एंगल्स को लाइन को देखने के लिए ऐसे किया जाता है, और इस तरह से अगर आपको देखना हो बिल्कुल यहां से 180 डिग्री तक, तो हम लोग यही लाइन मैंने सीधा सीधा यूज करते हैं, मुझे पता है कि इसमें किसी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं जो मैंने बोला, मुझे पता नहीं क्या, देखिए अब यहां पर देखना एक बड़ा सा बना के मैं दिखाता हूं आपको, सही कर रहा है ना, बंद
करना है। मैंने एक डी बना दिया है इसे, ये डी होता है, हम लोग इसका जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, बीच वाला पॉइंट, ठीक है, जो भी लाइन है उस पॉइंट पे रखते हैं और ये लाइन बिल्कुल इसे मिलाते हैं। अब जैसे देखिए 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह मिलता जाता है। तो इस तरह डी को इसी तरह देखते हैं, ये 90 डिग्री की इधर होगा तो छोटा होगा, बिल्कुल एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट होगा, और आगे वाला वेरी गुड 90 डिग्री राइट है। यही भी क्लियर करते हैं, 90 डिग्री जो अगर बिल्कुल पूरा एंगल हो गया, जैसे बेटे मैं बना के दिखाता हूँ, अगर ऐसी सीधी लाइन बिल्कुल बन जाए तो ये हो गई राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री, इसको कहेंगे राइट एंगल, बिल्कुल सही, उसका सिंबल लंबा जी। और राइट एंगल 90 से लेके 0 के बीच में कोई भी एंगल बनता है, ठीक है। जैसे बेटे मान लो कि मैं एक 60 का एग्जाम्पल दूं आपको, 60 डिग्री का, उसका कोई सिंबल नहीं, ठीक है। तो जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, 90 से 0 डिग्री के बीच तक, और 90 से जो बड़े होते हैं उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। और वो कैसे होगा, जैसे एक लाइन आपने ली, उसके बाद मान लो कि आपने ऐसे कोई लाइन खींच दी, तो यहाँ पर जो एंगल बना, जैसे मान लो कौन सी एंगल है, चलो 140 का एंगल है, 140, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। एक सेकंड, 90 से 180 के बीच में जो होगा ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन हो गई ऐसे तो, ठीक है ना, सॉरी मैं तो दिखा नहीं रहा था, सीधी लाइन बिल्कुल हो गई तो ये राइट एंगल, ये दिख रहा है जो मैंने वहां बना के दिखाया आपको। और 90 से लेके 0 डिग्री के बीच में जो भी होगा उसको एक्यूट एंगल। और बेटे जब बिल्कुल सीधी लाइन हो जाए, हाँ, और ये यहाँ पर जैसे पॉइंट था आपने सीधी बना दी और इसके ऊपर एक एंगल हो गया, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 का होगा ना सर वो? जी, स्ट्रेट एंगल देखिए कौन सा होगा, 180 डिग्री, क्योंकि 180 दिख रहा है ना, ये होगा 180। समझ में आया? अगर बिल्कुल सीधी लाइन हो गई 180 डिग्री की तो स्ट्रेट एंगल, 90 से 180 के बीच में होगी तो ऑब्ट्यूज, और 90 से 0 के बीच में होगी तो एक्यूट, 90 पे राइट एंगल, और बिल्कुल सीधी लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 360 की पढ़ो एंगल सर, समझ में? हाँ हाँ, बता रहे हैं, रुक जाओ, शांति बनाए रखो। देखिए मेरी बात सुनिए, यहां तक समझ में आ गया, हम लोगों को इससे ज्यादा भी बताना भी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, हमें उससे ज्यादा 180 से ज्यादा बताना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक दो चीज के लिए, अगर कोई लाइन हो, ठीक है, ये लाइन हो और इस पे एंगल क्या हुआ, यहां से लेकर के बना और पूरा का पूरा एक सर्कल कवर हो गया, तो इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, मतलब 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, या इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। एक बात और याद रखिएगा, 360 डिग्री से कोई एंगल ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 360 के बाद पूरा सर्कल बन जाता है, कंप्लीट हो गया इसे, हाँ पूरा पूरा गोल, जी बिल्कुल, जैसे बेटा एक तरफ ये डी बन गया ना, मैं दूसरी तरफ से घुमा के लिए ऐसा ही डी बना दो तो 360 यहाँ बनेगा जी। 270 क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, बता पूछा है तो 180 तक समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का ना? 0 डिग्री से बेटा 90 तक होगा तो एक्यूट एंगल, 90 से 180 तक होगा तो ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री का होगा तो अनुप्रिया, और अगर पूरी सीधी सीधी बन जाए तो स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री, बिल्कुल। चलिए अब दो और एंगल है वो बता देंगे तो पूरा एंगल खत्म, ठीक है, ध्यान दीजिए।
प्रैक्टिस समझ में आ रहा है तुम्हें? देख ले तो 3 एंगल होंगे 182। अरे इसके नीचे आप लोग को कोई भी एंगल नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? बता दे, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, 180 से लेकर के 360, इसी लाइन पे 360 भी बन जाएगा। 180 से 360 के बीच में कोई भी एंगल बनेगा तो उसको रिफ्लेक्स एंगल, इसके बीच है ना ऐसा डिवाइडेशन नहीं होता, ठीक है? 180 से लेकर के 360 के बीच मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और मैं आपको दिखा भी दूं क्या होगा, बना ही देता। देखिए 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 और बेटा इसी जीरो पे 360। तो इस तरह से सारे एंगल बनते हैं। पहले ये जीरो डिग्री है, जीरो से टेन टेन के डिफरेंस में चलेंगे तो 90, 90 से 180, 180 से फिर देखिए घूम के 360 पे चला जाता है। याद रखना 180 से 360 के बीच में जितने भी एंगल आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। वीडियो देख करके आप इसका एक नोट्स बना के लाएंगे सारे बच्चे का, वीडियो घर पे देख लीजिएगा, सब बस फोन है देख लेना, टाइम मिले तो वीडियो देखिए, पॉज करते जाइए और जो फोटो फाटो बनाया है, जो लिखा है, जो समझाया है उसको लिख करके लगे जाके देखें क्या आपने पढ़ा है। तो रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया। और बेटा जैसे ही 360 डिग्री पे जाएगा तो ये फिर घूम करके पूरा एक सर्कल बन जाएगा, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, मैंने अभी पता ही नहीं था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारे एंगल्स इस तरह से? ओके, जीरो डिग्री एंगल मतलब कोई एंगल नहीं, कोई एंगल नहीं, क्यों लाइन लाइन देखिए बोलो, जैसे नीचे के पार्ट को तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, लाइन बेटे है ना, जवान खींच भी लेता हूं मैं ज्यादा बोलने पे, संजीव याद रखना इस बात को। एक तो होगी स्ट्रेट, सॉरी इसमें लाइंस तो आपको पता है, लाइन किसको कहते हैं? मैं तीन चीज ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और जिसका नाम लेंगे वही बताएगा इसमें लाइन है या नहीं। अनुप्रिया इसमें से लाइन कौन सी है? मैं नंबरिंग करता हूं 1, 2, 3, 4, लाइन कौन सा है बेटा? तुम बताओ तो लाइन इनमें से कौन सी है? थर्ड। गुड बेटे, मैं यही उम्मीद करता था, बहुत बढ़िया, तुक्का तो नहीं था पक्का ना? अरे कितना बोलते हुए, मैंने क्या पीएचडी कर लिया क्या बता के, आराम से रहो। ये तो क्लियर है, ताकि मैं पहले ये तो देख लूं कि लाइन पढ़ाने से पहले लाइन पता है कि नहीं, लाइन ही पता नहीं है, मैं सर लाइन बता दूं। तो पहले क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो दोनों को किसी ना किसी पॉइंट पे काटती है। जैसे बेटा अगर हम इसको करें ए बी और ये सी डी हमारी लाइन है और ये पॉइंट ओ पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो सी डी और ए बी क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दो लाइन जब एक दूसरे को काटती है किसी भी पॉइंट पे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे बनेंगे, चार एंगल बन गए ना, एक यहाँ एंगल, एक यहाँ एंगल, एक यहाँ एंगल और एक यहाँ एंगल। कहाँ माइनस बनाया मैंने? क्रॉस। हाँ किसी तरह का बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट देखिए उसकी 50 हो सकती, मिनिमम दो तो होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है,
मिनिमम दो लाइन होगी जो एक दूसरे को काटेगी, कम से कम दो लाइन होनी चाहिए, और ज्यादा तो कितना भी हो जाए। हाँ, लेकिन पॉइंट एक ही होनी चाहिए, पॉइंट एक ही होनी चाहिए। तो देखिए हाथ अंगन को आरसी क्या और चौधरी के लिए फारसी क्या, देख रहे ना, ये सारे के सारे उसी पॉइंट पे, थोड़ा मेरे आगे पीछे बन गया, इसी पॉइंट पे, पॉइंट यही रहेगा चाहे कितनी भी लाइन कट करती रहे।